अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। मेरा नाम है बासित शाह, मेरे साथ मौजूद है हुसैन इमाम। तो गाइस वेलकम बैक। जैसा कि आपको पता था कि वेस्ट इंडीज वर्सेस इंग्लैंड आज एक बहुत बड़ी टीम जो आपस में टकराई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वेस्ट इंडीज ने कोई इतनी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा नहीं किया और ऑफकोर्स वेस्ट इंडीज जो है ये मैच लूज कर चुकी है। लेकिन बहुत सी चीजें इसमें ऐसी हैं जो हमें देखनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हुसैन बहुत जबरदस्त प्लेयर, जबरदस्त उन्होंने कैच पकड़ा, तो उसके ऊपर भी रिव्यू लेंगे। तो शायद कैसा रहा आज का मैच? टू बी रियल, टू बी फ्रैंक, मैं बताऊं, आई रियली डिसअपॉइंटेड विद द परफॉर्मेंस ऑफ वेस्ट इंडीज टीम। आई मीन वर्ल्ड चैंपियन की ये परफॉर्मेंस मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वेस्ट इंडीज यहाँ पे 160 से ज़्यादा रन करती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब ऑल आउट हो गई 55 रन में। देखें, जब 10 ओवर में आपके 7 खिलाड़ी आउट हो जाए तो सही डेफिनेटली नतीजा ही आएगा। और पावर प्ले में इवन 5 खिलाड़ी आउट थे आपके, तो जितने बड़े नाम थे एंड्रे रसल, कैरन प्लॉड, आई मीन एल्वेस जो है, सारे डीजे ब्रावो सब ने डिसअपॉइंट किया। और मैं रियली डिसअपॉइंटेड हूँ उस टीम के एफर्ट से। देखिए, अब इंग्लैंड का जो नेट रन रेट है वो बहुत ज्यादा आगे चला गया। सही। और इस ग्रुप में मैं बार बार आपसे आपके रिकॉर्ड भी बात करूँ कि बड़ा टफ ग्रुप है। आप कह लें कि इस ग्रुप में एंड में जो है सेमीफाइनल के जो टीम्स आएंगी, क्वालिफाई करेंगी दो टीम्स, उनमें नेट रन रेट का बड़ा अमल दखल होगा। तो अगर आप इतने मार्जिन से एक पहला मैच ही हारते हैं तो आई मीन कि वेस्ट इंडीज के लिए डिफिकल्ट होगा, काफी पीछे होगा। लेकिन वेस्ट इंडीज एक अच्छी टीम है। मैं ये समझता हूँ कि वेस्ट इंडीज कम बैक कर सकती है। सही। तो वेस्ट इंडीज ने डिस्पाइट एफर्ट किया है, बॉलिंग में अच्छा रहा है। देखिए, वही मैं कह रहा हूँ, 150 रन भी करते तो 55 पे उनके भी 4 आउट थे, तो मैच फंस सकता था। लेकिन ऐसा टाइम मिला नहीं, क्योंकि इंग्लैंड के भी मोस्टली जो प्लेयर हैं वो भी अभी इन्फॉर्म भी नहीं है। लेकिन मैं क्रेडिट दूंगा मोइन अली को, राशिद को, उनकी जो क्रिस वोक्स है, और पूरी एंटायर बॉलिंग टीम को, प्लस फील्डिंग को। सही। तीनों चीजें जब बनती हैं तो तभी एक मैच यूनिक परफॉर्मेंस आती है। फील्डिंग का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 4 से 5 कैचेज उन्होंने पकड़े हैं। ब्रावो का जो कैच था बहुत दो था, और गली में इतनी स्पीड से कैच पकड़ना, आई मीन, और बाकी जो दूसरे कैचेज भी थे प्लानिंग के साथ उन्होंने गेम की, और उन्हें पता था कि वेस्ट इंडीज वाले स्पिनर्स पे पकड़े जाएंगे। सही। तो स्टार्ट विद मोइन अली एंड राशिद, बोथ हैव डन फैबुलस जॉब। लेकिन दो बॉलर ने उनकी आधी से ज्यादा टीम को जो है ना आउट कर दिया था। तो मैच मेरे ख्याल से पहले सेशन में खत्म हो गया था। मैच तो वैसे पर साइड 90 मिनट का आशीष ने कहा, लेकिन 90 मिनट में दोनों इनिंग्स जो है ना ऑलमोस्ट खत्म हो गए थे। तो क्रेडिट गोज़ टू इंग्लैंड। इंग्लैंड एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है वर्ल्ड कप चैंपियन जीतने का। मैं पहले तो बता रहा था कि इंग्लैंड हो जाए, इंडिया हो जाए, वेस्ट इंडीज हो जाए, ये तीन टीमें ऐसी हैं जो कि स्ट्रॉन्ग दावेदार है वर्ल्ड कप जीतने के लिए, क्योंकि इन तीनों की टीमें बड़ी आई थिंक स्ट्रॉन्ग थी। चौथी टीम न्यूजीलैंड आप ऐड कर लें, क्योंकि न्यूजीलैंड वाले आप जितने भी उनके क्रिकेट देखेंगे तो वो फेवरेट नहीं होते, लेकिन वो सेमीफाइनल तक जरूर जाते हैं। सही। तो मैं तीनों में से, तो मुझे तो वेस्ट इंडीज की तरफ से डिसअपॉइंटमेंट हुई है, और अब वेस्ट इंडीज को मेरे ख्याल से बाकी 4 के 4 मैच जीतने पड़ेंगे जितनी मार्जिन से वो लूज किया उन्होंने पहला मैच। तो उस मार्जिन को मेंटेन करना, अगर 4 मैच जीतते हैं तो देन जो है उनके आई थिंक पॉसिबल है कि वो टॉप 2 में जो है ना इस ग्रुप से वो स्टैंड कर सकें। वैसे ये ग्रुप बहुत टफ होने वाला है, ये मैं फिर बार बार बात कर रहा हूँ कि बहुत टफ ग्रुप है। इसमें जितने भी मैचेस होंगे आपको बड़ा मजा आएगा। लेकिन इतनी डिसअपॉइंटमेंट हुई है मुझे वेस्ट इंडीज की टीम से, एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं। एक्चुअली उनका स्टाइल ये है कि 20 ओवर की गेम है, तो वेस्ट इंडीज का जब से स्टाइल, जितने भी प्लेयर्स आप देख लें पापड़ दोल हैं, और वो आते सारी एक्सेलरेट करना चाहते हैं रन को। तो T20 गेम्स भी एक्सेलरेट करने का नाम है, आप जितना एक्सेलरेट करेंगे उतने ही आपके रन फास्टर मूव होंगे। लेकिन इस केस में नहीं हुआ है। मेरे ख्याल इन्होंने टेक्निकली जो है लूज किया है गेम को, और खुद ही अपने हाथों से इंग्लैंड के हाथों में दे दिया है गेम कि आप ये मैच जीतें। एनीवे, कांग्रेट्स इंग्लैंड की, उनकी टीम ने मैच वन किया। वेस्ट इंडीज के लिए भी लर्निंग है कि आप हर बॉल पर हिट नहीं कर सकते, आपको डेफिनेटली गेम प्लान के साथ चलना पड़ता है, और देन जो है आपने मैच जीतना है। होपफुली कल जो मैच आ रहा है पाकिस्तान वर्सेज इंडिया, सभी उस मैच का वेट कर रहे हैं। मैच 2 है, बांग्लादेश वर्सेज श्रीलंका का 3 बजे का टाइम है, और इंडिया और पाकिस्तान का है जो 7 बजे का मैच है। तो जिस मैच का सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं वो एशेज से भी बहुत बड़ा मैच है, दैट इज पाकिस्तान वर्सेज इंडिया। तो पाकिस्तान ने अपनी ऑलमोस्ट टीम का ऑलमोस्ट जो है, जो राय में कह रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे न्यूज चल रही है कि पाकिस्तान ने अपनी टीम को फाइनलाइज कर दिया है।
तो उसमें हैदर अली नहीं है, वही सीक्वेंस जो उन्होंने वार्म अप मैचेस में रखा था तो उसी सीक्वेंस के साथ जाएंगे। तो ओपनिंग में जो बाबर आजम और रिजवान ऊपर करेंगे, वन डाउन डेफिनेटली फखर जमान आएंगे, टू डाउन फीस एंड देन शुएब। शुएब का और आप हैदर अली का कह रहे, लेकिन मैं नहीं समझता कि हैदर अली को खेलेंगे, क्योंकि शुएब बड़े खिलाड़ी हैं तो उन्हें वो चांस मिलेगा। आसफ अली है नीचे एंड देन शदाब खान, मोहम्मद वसीम एंड हारिस रऊफ, शाहीन शाफी और लास्ट में जो हमारे हसन अली हैं। तो ये टोटल टीम जो है एज पर एक्सपेक्टेड है। लेट्स सी व्हाट हैपन टुमारो इन सिलेक्शन, क्या करते हैं टीम वाले। बहुत बड़ा गेम है पाकिस्तान के लिए, बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान इंडिया को हरा सकता है। देखें बैटिंग उनके पैरेलल है, अब डिपेंड करता है कि टॉस जीत के क्या करना है। पाकिस्तान भी मेरे ख्याल से और इंडिया दोनों टीमें टॉस जीत के बॉलिंग को प्रेफरेंस देंगी, चेस करने जाएंगे, क्योंकि उसमें दो तीन फैक्टर हैं। एक तो प्रेशर हाई बिल्ड गेम होगा, प्रेशर गेम होगा। देखें आप इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का मैच देख लें, अफ्रीका का या ऑस्ट्रेलिया का देख लें, तो पहली इनिंग्स में स्कोर के चक्कर में जल्दी आउट हुई, तो दूसरी टीम के लिए ईजी हो गया कि उसको मैच को। तो मेरे ख्याल है प्रेफरेबल यही होगा कि टॉस जीत के पहले बॉलिंग ही प्रेफर की जाएगी, क्योंकि बाद में यू फैक्टर भी होगा। तो ये वैसे बाय द वे आईपीएल की जो टीम चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है, पहले टॉस जीत के पहले बैटिंग की और उसने दूसरी टीम को हराया, तो वैसे अगर आप देखें तो रिकॉर्ड जो चेजिंग टीम का ज्यादा बेहतर है। सही, लेट्स सी टुमारो इंशाल्लाह वी विल बी बैक इन लाइव। अगर आप इससे पहले हमारे चैनल पे नहीं है तो कांडे लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें, कमेंट देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आजकल पूरा सब कॉन्टिनेंट इकट्ठा होगा, बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। तो कैसे कल आपसे बोलेगा, तो प्लीज़ अपने बहुत ख्याल रखिए।